साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है। साथियों आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो एक कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में है, जो लॉ के स्टूडेंट है इसे ज़रूर देखें। साथियों मैंने देखा है जब भी लॉ स्टूडेंट से या फिर उनके परिवार वाले जब बच्चे को लॉ कराते हैं तो उनका एम यही होता है कि मेरा बेटा कैसे भी करके जज बन जाए, और जिस दिन लॉ में वो एडमिशन लेता है तो उनके मन में बस यही सपना आता है कि जज बन जाए। जबकि साथियों ऐसा नहीं है, अब तो लॉ में बहुत सारी फील्ड ऐसी खुल गई हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जी सकते हैं, एक कहते हैं क्लासी लाइफ जी सकते हैं। जज में बस ये है कि गवर्नमेंट सेंटिटी मिल जाती है और एक तरह से आप सरकार के जो है मोहर लग जाती है आपकी जॉब पे। यही है कि भाई यहाँ पे मानसिकता ऐसी है इंडिया में कि सरकारी नौकरी जो है उसकी बहुत डिमांड है, उसके प्राइस रेट तय होते हैं दहेज में जब बात आती है, जैसा कि आप लोगों ने समाज में देखा होगा। साथियों जब जज की बात आती है तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि स्पीसीएस जे जो होता है वो लोअर जुडिशरी के लिए होता है, स्टेट ऑर्गेनाइज कराता है। जब हाई कोर्ट में जज जो होते हैं वो एजेस के थ्रू आते हैं, और एजेस के बारे में मैंने जहाँ देखा है आसपास ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं। तो ये वीडियो लोगों को इसीलिए अवेयर करने के लिए कि हायर जुडिशियल सर्विस क्या होता है और क्या किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, और इसके थ्रू पहली पोस्टिंग कैसे होती है। साथियों पहले मैं पीसीएस जे की बात बता दूं कि पीसीएस जे जो होता है वो स्टेट ऑर्गेनाइज कराती है, हाईकोर्ट ऑर्गेनाइज कराता है। उससे जो पहली पोस्टिंग होगी आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन, फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर आप क्रिमिनल के उसमें जाएंगे एसी जे, फिर सीजेएम, फिर एडी जे। यूजली ये होता है कि जो पीसीएस जे का वो होता है अभ्यर्थ के थ्रू जो जज बनते हैं वो ज़्यादातर एडी जे डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे उनकी जो है रिटायरमेंट हो जाती है। बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें वो लोग हाई कोर्ट जो है जा पाते हैं। लेकिन साथियों अगर हाई कोर्ट, अगर आपको हाई कोर्ट के लिए ही वो करना है तो एजेस जो है बेस्ट है। हाई जुडिशल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है ये भी हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, और क्योंकि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में ये पंगा होता है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती, कभी कम हो जाती, कभी आती, कभी नहीं भी आती है। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश 2019 में जो यूपी में जो जुडिशरी आई बहुत आई थी, 400 कुछ से ज़्यादा कुछ सीटें आई थी, इतनी शायद अब कभी नहीं आएंगी। पीसीएस में जेबी की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसी एजेस का आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टेट करा रहा है। इसमें जो एज लिमिट होता है वो 35 से जो है 45 होता है जनरल वाले के लिए, और 3 साल का कुछ कंसेशन मिल जाता है इनको ओबीसीएससी वालों को लिए। और इसके अलावा मित्रों जो फार्म होता है वो 1000 रुपये का होता है जनरल वालों के लिए, और एससीओसी के लिए कुछ कंसेशन है। इसके अलावा मित्रों जो क्राइटेरिया क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्या कहती है एजेस के एग्जाम के लिए, और यहाँ पर मैं ये बता दूँ एजेस के लिए आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगी पहली पोस्टिंग, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आप हाई कोर्ट में निकल जाएंगे। तो यहाँ आपको कुछ ही टाइम के लिए लोअर कोर्ट्स में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप हाई कोर्ट के लिए जो आपका ड्रीम है एजेस के थ्रू वो आप हाई कोर्ट जाके पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक वकील के लिए एलिजिबिलिटी ये कि 7 साल की प्रैक्टिस को मानते हैं, कहीं जगह 7 है, कई स्टेट जो है 7 मांगते हैं, यूपी में 7 है और कई में जो है 10 साल है। और अगर आप जज हैं, आप एक रिसाइडिंग जज हैं, तो आपको 10 साल अपनी सर्विस के जो हैं देने पड़ेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्राइटेरिया जो 35-45 करीबन है तो वो 35 साल आपकी हो जाएगी अगर आप 7 साल प्रैक्टिस होगी, या फिर ये 45 साल का वो 10 साल का जो क्राइटेरिया है, अगर आप एज ए जज हो तो शायद आपकी 35 साल उस समय 35, 36, 37, 38 इस तरह एज हो जाए। इसके अलावा जो मित्रों दूसरी बात है, इसका जो रिटायरमेंट आपकी वही 60 साल जो है 60 के अराउंड शायद है इसमें। और दूसरी बात ये कि आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कौन सा स्टेट करा रहा है, जैसे अभी यूपी के शायद आए हुए हैं, अभी मैंने अब नेट पे इसका देख रहा था तो मैंने देखा किया कि हाई कोर्ट नोटिफिकेशन भेजता है, हाई कोर्ट ही कंडक्ट कराता है, आपकी शपथ जो है वो गवर्नर दिलाएगा, तो इस तरह से है। और इस तरह से आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। और बाकी जो है इसमें इसका सिलेबस थोड़ा सा अपग्रेड है, सिलेबस इस पर दिया हुआ है, जब आप इसका फॉर्म डालेंगे तो इस पर जो सिलेबस है इसका दिया हुआ है। और अभी मेरे सर थे जब मैं लॉ कॉलेज देहरादून में था, उनका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का वो एजेस का जो है मध्य प्रदेश का क्लियर कर दिया था उन्होंने, और उसमें लेकिन उनके किसी अभ्यर्थी जो फेल हुआ था उसने कोर्ट में पटीशन डाल दिया, उनकी अपॉइंटमेंट जो है उनकी और जितने भी
जो चुने हुए थे उनकी रुकवा दी थी। तो अभी जब कुछ 2-3 महीने बाद उनका वो क्लियर हो गया जो था केस, और वो फिर ADJ की पोस्टिंग हो गई। तो मित्रों, अगर आप जस्ट सपोज PCSJ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपकी एज निकल गई, आप सोचते हैं यार इतने से रह गया, तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है। हायर जुडिशल सर्विस है उसके लिए। आप SJS के थ्रू जो है अपना जो हाई कोर्ट में, मतलब PCSJ तो लोअर जुडिशरी, सीनियर हायर जुडिशरी में आप जा सकते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको SJS के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप, मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो देखें तो इसके अलावा आप थोड़ा मोटिवेट हों। और ऐसे तमाम उदाहरण पड़ जाते हैं जो बड़ा सिंपल सोबर पर्सन होता है, जो एक निम्न वर्गीय है, जो किसी भी घर में वकील भी नहीं है, वो लोग जो हैं ये ऐसे एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो साथियों, इसलिए आप इस वीडियो से प्रेरणा लें और आप तैयारी करें, निराश नहीं हो, निराश तो होना ही नहीं चाहिए किसी हालत में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मित्र गौरव शर्मा।